भाई मैं तो प्रे करता हूँ भगवान से कि किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे सब्सक्राइबर क्या, मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं, जानने क्या मेरे ना जानने वाले मेरे दुश्मनों को भी हॉस्पिटल का दरवाज़ा ना देखना पड़े। हाँ ना आ गया ना, सुपर कोर्सा है, सुपर कोर्सा, सुपर कोर्सा है, पिरेली सुपर कोर्सा 24 का आता है। ओले पकड़ लिया इसको, सिग्नल तोड़ा, फंस गया बेचारा। तो भाई फाइनली रात के 10 बज रहे हैं और भाई को डिस्चार्ज मिल गया है, दिखाना अपना बाजू टूटा हुआ। अगर मैं 11 बजे भी कहीं घर पे पहुंचता हूँ ना तो मैं ट्राई करूंगा कि एडिट करके ना वीडियो 12 बजे तक कैसे तो डाल दो, जैसा भी वीडियो बन जाए एडिट करके डाल दो 12 बजे तक। कहते ना हर कुत्ते का दिन आता है, और जैसे हर कुत्ते का आता है वैसे हर इंसान का भी आता है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। पहले हमेशा मैं उठ के मोबाइल यूज करता था, इसको उठने का वेट करता था, ये गधे जैसी सोई रहती थी। काम करो, पैसा कमाओ, मुझे लाके दो। ओके शाबाश, अब तुझे अवार्ड देंगे। कांग्रेचुलेशंस, पढ़ाई में नहीं तो क्या हुआ, काम में कहीं टॉप मार रही है। ओके आज भाई को एक्चुअली डिस्चार्ज मिलने वाला है तो मुझे जाना है हॉस्पिटल, लेकिन डिस्चार्ज मिलने वाला है शाम को तो मैं जाऊंगा दोपहर का खाना खा के, वरना फिर मुझे दोपहर को भूखे रहना पड़ेगा। गाइस एक्चुअली अम्मू की चल रही ट्रेनिंग, तो अम्मू उसकी ट्रेनिंग चालू है इसलिए वो नहीं आई नीचे। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, अपने औरा का हाल कुछ ऐसा है, कल मुझे प्रॉब्लम आई थी इसमें तो अभी तक मैंने ठीक करा नहीं, कल हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया था। आई होप कि ये और एक दिन थोड़ा होल्ड कर ले, वैसे तो अच्छे से इसने होल्ड किया हुआ है तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बाइक पे धूल तो बहुत बैठी है। मेरी औरा मेरे लिए भाई बहुत सहरी है फिलहाल, ये नहीं होती ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी हॉस्पिटल वगैरह जाने आने के लिए। ठीक है भाई चलो निकलते हैं। यहाँ पे शादी वगैरह का सीन है लगता है, फुल मंडप वगैरह बांधा हुआ है, लाइट्स अच्छी लग रही है बट अंदर धूप की वजह से। ये आगे कड़क धूप। चलो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। अभी मैं चल रहा हूँ हॉस्पिटल क्योंकि भाई को आज मिलने वाला है डिस्चार्ज, तो अभी जाना है मुझे हॉस्पिटल फटाफट से, और बिल प्रोसेस करने के लिए मुझे एक साइन देनी है और कुछ सामान भी लेते जाना है मुझे फटाफट, वो ले लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। रुक गया था कुछ कपड़े लेने के लिए क्योंकि अभी भाई को डिस्चार्ज मिलने वाला है ना आज, तो निकलते समय हॉस्पिटल के कपड़े तो पहन नहीं सकता क्योंकि जब गिरा था वो कपड़े तो पूरे खून से भर गए थे तो वो तो फेंक दिए थे। वैसे कपड़े इन से नॉर्मल कपड़े, ये ट्रैफिक और ऑफ रोड से मैं परेशान हो गया यार। अभी क्या इधर पे मेट्रो बन रहा है ना, डेवलप हो रहा है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ये रोड अच्छे बन जाएंगे, अभी तो भाई हालत ख़राब है इन रोडों की। भाई मैं तो प्रे करता हूँ भगवान से कि किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे सब्सक्राइबर क्या मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं, जानने क्या मेरे ना जानने वाले मेरे दुश्मनों को भी हॉस्पिटल का दरवाज़ा ना देखना पड़े, मतलब इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना भाई सच्ची में। भगवान करे किसी को भी ना कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, वैसे तो फिर ऐसे तो मेडिकल इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगी, लेकिन आई जस्ट प्रे कि सब लोग फिट रहे, हेल्दी रहे और किसी को कोई कभी प्रॉब्लम ना आए, एटलीस्ट हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, बाकी सारे प्रॉब्लम्स हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं। मैं आप लोग को भी गाइस अगेन अगेन ये बोलूँगा कि प्लीज़ राइड सेफ, और जो भी चीज़ करते हो ना सिर्फ राइड ही नहीं, अगर ड्राइव करते हो तो ड्राइव भी सेफली करो, और जो भी काम आप करते हो हमेशा ध्यान रखो, इससे बड़ी क्या ही प्रॉब्लम होगी कि आपको चोट वगैरह लग जाए तो घर वालों पर क्या बीतती होगी सोचना ही चाहिए। मैं बाइक के लिए भी ये नहीं बोल रहा कि बाइक भगाओ मत, वरना आप बोलोगे भाई हमने इतनी महंगी बाइक ली की अगर भगाना नहीं था तो हम लोग स्प्लेंडर ले लेते, तो बात ऐसी नहीं है कि बाइक भगानी नहीं है, बस कंट्रोल में भगानी है, सही जगह पे भगानी है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी खींच दिया एक्सेलरेटर और चल दिए, तो थोड़ा कंट्रोल में ही चलाओ, सिटी में अवॉइड ही करो भगाना बिल्कुल भी। जब आपको हाईवे मिल रहा है सीधा सीधा एकदम खाली दिख रहा है ना, तो जितना आपसे कंट्रोल हो सके उस हिसाब से ही भगाना। भाई ग्रीन सिग्नल हमारा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये ठीक है भाई, मतलब हमारा भी ग्रीन रेड हो जाए फिर हम भी रुक जाए। ये देखो भाई ग्रीन सिग्नल चल रहा था, ऐसे लोगों का फाइन नहीं काटेंगे आरटीओ वाले, हमारा पहले काटेंगे। यहाँ पर कैसा सीन है ना गाइस, एटलीस्ट चलो थाने में तो भी ठीक है, कल्याण में तो ऐसा है ना कि अच्छा अच्छा गाड़ी देख लिया, अच्छा हेलमेट देख लिया ना, तो भाई ये बंदा रेस करता है, रेसिंग करता है, इसको पकड़ो और इसको फाइन मारो, ऐसा सीन है यहाँ पे। अभी तो फिर भी राइड कल्चर बहुत ग्रो हो रहा है, जैसे देखो ये देखो बंदे को कितने अच्छे से मस्त से गियर्स वगैरह पहन के अच्छे से राइड कर रहा है, तो पहले इतना नहीं दिखता था, आजकल 10 में से 2 लोग दिख जाते हैं कि अच्छे से राइड कर रहे हैं, और ये नहीं कि अच्छी बाइक, अच्छे सेफ्टी के साथ अच्छे तमीज़ के साथ चलाने वालों की बात कर रहा हूँ मैं। मुंबई में ना गाइस मोटर व्लॉगिंग करना मतलब भाई सच्चे में बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना रहता है ना तुम परेशान हो जाओगे, लिटरली तुम्हें खुले रोड मिलेंगे ही नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे,
फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतना ट्रैफिक मिलता है उसमें, ऑटो वाले परेशान करने रहते ही रहते हैं। सच्ची में अभी ऐसे लगने लग गया ना कि मुझे सच्ची में मोटो व्लॉगिंग करनी है तो मुंबई छोड़ना पड़ेगा, कोई ऐसे गांव पहाड़ों में जाके वहाँ पे राइड करने अच्छे से मिलेगा। यहाँ पर तो राइड करना मतलब भाई, एक तो इतनी ट्रैफिक, उसमें गर्म होती है बाइक, बहुत ज़्यादा परेशानी। हाँ हाँ लग आओ ना, आ गया ना, सुपर कोर्सा है, सुपर कोर्सा, सुपर कोर्सा है, पिरेली सुपर कोर्सा 24 का आता है। ओले पकड़ लिया इसको, सिग्नल तोड़ा। भाई जो बंदा मुझे पूछ रहा था ना कि भाई आपने टायर लगवाया क्या, मुझे ओवरटेक करके गया और उसको पकड़ लिया वहाँ पे आरटीओ वालों ने। अब कटेगा इसका चलान, बहुत गलत सीन हो गया भाई। एक्चुअली अपने और से ना सब इम्प्रेस हो जाते हैं टायर देख के, क्योंकि आपको पता है टायर मैंने लगा रखा है 190 का सुपर कोर्सा पिरेली का, तो बहुत सेक्सी दिखता है पीछे से। फंस गया बेचारा, सिग्नल तोड़ दिया इसने, यहाँ पे ऐसा ही है, जहाँ तुमने सिग्नल तोड़ा पकड़ लिया तुमको। तभी मैं गाइस इधर बोलता हूँ ना कि मोटो व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, एक तो तुम्हें सारे रूल्स फॉलो करने हैं, ट्रैफिक इतने लगनी है, और सिग्नल तोड़ दिया तो चलान कट गया। हर जगह पर ना स्पीड लिमिट्स लगी हुई है, कैमरेज लगे पड़े हैं, किसी भी ओवर स्पीडिंग करते हो जिस एरिया में जितनी स्पीड है उससे ज़्यादा अगर आप स्पीड में भगाते हो तो चलान आपके घर पे आ जाएगा, आपको फटक से मैसेज आ जाएगा जिसके नाम पे बाइक है। आरटीओ रूल्स तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और एक्चुअली में मतलब सही है, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कोई बात नहीं कि हमारी सेफ्टी के लिए ही है, पर ठीक है यार इतने रूल्स है, इतने फाइन्स है तो थोड़े रोड भी अच्छे कर देते हैं। खैर हमें क्या, जो है जैसा है, हमें तो सहना ही है। चलो ये देख लो भाई, यहाँ पे जाम देख लो एक बार, मतलब इतनी हालत ख़राब, बंदे को इमरजेंसी हो तो बंदा जाएगा कहाँ से। फिर जो बंदे ऑफिस जाने वाले हैं ऑफिस जाके डांट खाएंगे बॉस की कि लेट क्यों हो गया। कभी कभी तो मेरा मन करता है ना गपचुप से गांव में चला जाओ और गांव में जाके रहो अच्छे से मस्त से, क्योंकि वहाँ पे ना खुले रोड है, पहाड़ है, सब कुछ है, और मेरा गांव तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से बस 150 किलोमीटर ही है, क्योंकि मैं तो हूँ यही का ना, बस वो है कि 150 किलोमीटर थोड़ा दूर आके गांव से सिटी में आके हम लोग रह रहे हैं। लास्ट 2-3 दिन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है गाइस कि मेरा गोप्रो ना बहुत जल्दी से डिस्चार्ज हो जा रहा है, और मतलब कल भी मैं रात को वीडियो शूट कर रहा था ना, मैंने देखा अरे अचानक चार्जिंग इतना कम क्यों हो गया है, देन आई रिमेंबर्ड कि भाई मैं अभी 60 FPS में शूट करने लग गया हूँ। 60 FPS में शूट करने से ना गाइस क्या होता है कि बैटरी ज़्यादा खा लेता है और फिर शूट करने कम मिलता है, इसलिए आज मैंने 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी चार्जिंग वैसे कम थी। ये बस शायद आज के लिए रहेगा, कल से मैं रिटर्न 60 FPS में शूट कर दूंगा, और एक बैटरी एक्स्ट्रा परचेस करनी है मुझे तो वो भी कर लूंगा जल्दी। और गाइस अपने 27 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो थैंक यू सो मच रॉ आर्मी, अपने रॉ आर्मी बड़े होते जा रही है धीरे धीरे, बस बहुत धीरे हो रही है, पर ठीक है जैसे हो जो हो, आप लोग का प्यार तो तबाही है भाई सच्ची में। और मैंने आपको पूछा था कि भाई मैं जो चैनल का नाम है वो चेंज करूँ कि नहीं, आप लोग ने तो ना मतलब ना बिल्कुल नहीं नाम चेंज करना, कोई बोल रहा है कि भाई नाम से इमोशन जुड़े, कोई बोलता है भाई यूनिक नाम है, मेरा तो पूरा मन था नाम चेंज करने का क्योंकि मैं चाहता था लोग मुझे मेरे नाम से जाने, बट अभी आप लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हो तो अभी के लिए तो मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, मेरा मन तो पूरा था नाम चेंज करने का क्योंकि लोग मुझे यार मेरे नाम से ही नहीं जानते, कोई रॉ भैया बुलाता है, कोई रॉबर्ट रियल वाले भैया बुलाता है, तो बड़ा अजीब लगता है। क्या हो गया भाई को, भाई क्या कर रहा है, आराम से चला ले। ओ भाई जिंदगी प्यारी नहीं है क्या इसको, अभी तो आराम आराम से चल रहा था, अचानक से पता नहीं कैसे चार्ज हो गया। हाँ चलो ओके भाई लोग, मैं भी पहुंच चुका हूँ फाइनली हॉस्पिटल में, और चलता हूँ अभी ऊपर भाई से मिलता हूँ जाके। अभी गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि भाई को जब घर पे लेके जाना है ना तो बाइक पे लेके नहीं जा सकता क्योंकि उसके हाथ को ना धक्का वगैरह ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो भाई फाइनली रात के 10 बज रहे और भाई को डिस्चार्ज मिल गया है, दिखाना अपना बाजू टूटा हुआ। भाई अभी ना शर्ट पहन नहीं सकता इसलिए ऐसे पहना है इसने, अभी एक्चुअली मैं बाइक पे तो जा नहीं सकता इसलिए अभी ओला बुलाया है, ओला आएगा तो ओला में बैठ के यहाँ से घर पे निकल जाएंगे, मैं तो बाइक पे जाऊँगा, ये जाएगा कार से। फाइनली बाय बाय टू द हॉस्पिटल, कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भाई ये रे अपने औरा बेचारी धूल खाते हुए। ठीक है भाई, तो भाई को बिठा दिया मैंने ओला में और सारा सामान वगैरह ले लिया है। एक्चुअली मैं 8 बजे पेमेंट हो गया था लेकिन ये लोग ने 10 बजे दिए, पूरा समरी बनाते बनाते पेशेंट का,
और फिर फाइल वगैरह हैंडओवर करना था, सारा सामान भी लेना ही था और मेडिसिन वगैरह समझनी थी। फॉलोअप के लिए भी बोला कि 5 दिन के बाद आना है, बस अभी यहाँ से घर पे निकल जाऊंगा मैं तो अपने औरा को लेके जा रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं भी ओला से ही निकल जाऊंगा पीछे बैठ के और औरा को उठाने के लिए कल आ जाऊंगा घर के, फिर वही सोचा कि डबल राउंड पड़ जाएगा। वो डबल राउंड पड़ने से अच्छा आई थॉट कि औरा को लेकर ही निकल जाता हूँ। दिल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लाइक जो मैंने बताया था आपको कि मेडिक्लेम था, तो मेडिक्लेम सिर्फ 2.5 लाख का हुआ था और बाकी के 4 लाख में से जो 1.5 लाख थे वो पे करने थे, तो वो सब करते करते 8 बज गए थे, वरना 7 बजे डिस्चार्ज मिल जाता। पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, सब अच्छे से हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। फाइनली गए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। सच बात बोलूं तो ना मेडिकल इंडस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अच्छा हो गया भाई, फाइनली आ गया बाहर और फाइनली ये हॉस्पिटल में राउंड पड़ने बंद हो जाएंगे। अभी बस हम फॉलोअप के लिए आना रहेगा, वो तो आएंगे। आज गाइस मैं अम्मू को लेकर इसलिए नहीं आया क्योंकि आज डिस्चार्ज मिलने वाला था और भाई को घर पे लेके जाना था, फिर उसको लेके आता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, लाइक उसको फिर यहाँ बीच में से ऑटो से जाना पड़ता इतनी रात को वगैरह, इसलिए आज अम्मू को लेके ही नहीं आया मैं। गाइस अभी 10 बज चुके हैं और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, तो घर पे पहुँचते 11 बज जाएंगे और आज मैं इसीलिए वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ पर था हॉस्पिटल में पूरा टाइम। तो अभी इसके बाद घर पे जाके मैं ट्राई करूंगा फिर भी कि 10 बज रहे तो 11 बजे तक होपफुली मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 11 बजे भी गाइस घर पे पहुंचता हूँ ना तो मैं ट्राई करूंगा कि एडिट करके ना वीडियो 12 बजे तक कैसे तो डाल दूँ, जैसा भी वीडियो बन जाए एडिट करके डाल दूँ 12 बजे तक। लेट्स सी अब हो पाता है कि नहीं हो पाता है, मुझे लग रहा है कि अब ये ब्रेक हो जाएगा अपना जो कंसिस्टेंसी था वो। इसका वीडियो गाइस इस हैप्पी नोट पे एंड करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो चुका है, अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं फाइनली इतने टाइम बाद भाई घर पे आ रहा है। शायद आपको उतना ज्यादा मजा वगैरह नहीं आ रहेगा क्योंकि पूरा टाइम तो मेरा हॉस्पिटल में निकल रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाके तो क्रिएटिव व्लॉग्स आने ही है, आज नहीं तो क्या कल तो आपको मजा आएगा ही। बट फाइनली यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई कि फाइनली भाई घर पे आ रहा है। तो अभी यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से घर पे निकल जाऊंगा, घर जाके वीडियो एडिट भी करना है, 11 बज जाएंगे घर जाने के लिए, 12 बज जाएंगे वीडियो एडिट करने के लिए, फिर देखता हूँ अगर 12 बजे तो 12 बजे वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो कल सुबह डाल दूंगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ गाइस, राइड सेफ, स्टे सेफ, ईट गुड एंड स्टे हेल्दी, बस यही कहना चाहूंगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।